नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार पर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी द्वारा बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका है। कांग्रेस की शिरडी बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ आवाज उठना तय मानी जा रही है। कांग्रेस की इसी शिरडी बैठक के दौरान महाविकास अघाड़ी गठबंधन से दूरी बनाने के विषय पर चर्चा होना भी निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के लेटर वार के बाद राजस्थान में कांग्रेस के मंथन शिविर के दौरान 500 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी, जिसके बाद शिवसेना और एनसीपी नेताओं द्वारा उद्धव सरकार में किए जा रहे घोटालों को लेकर के भी आवाज उठी और इन्हीं घोटालों में कांग्रेस की फजीयत होने वाला मुद्दा भी कांग्रेस के मंथन शिविर में जोर शोर से उठाया गया था। राजस्थान में हुए कांग्रेस के मंथन शिविर के बाद अब कांग्रेस की शिरडी बैठक में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़ने को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र से कांग्रेसी नेताओं की शिकायतें मिल रही है कि एनसीपी और शिवसेना मिलकर कांग्रेस को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं और एनसीपी शिवसेना के नेताओं ने मिलकर जो घोटाले महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में किए हैं उनका ठीकरा भी कांग्रेस के सर फोड़ा जा रहा है, जबकि कांग्रेस का इन घोटालों में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ग्रुप के नेताओं ने एक बार फिर से उद्धव सरकार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में धड़ाधड़ लेटर वार के जरिए विस्फोट किए जा रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट के बादल बनकर उभरे हैं। अब कांग्रेस की सोनिया सेना आर पार के मूड में दिखाई दे रही है, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथों सीएम गद्दी खिसकना भी तय मानी जा रही है। कांग्रेस की शिरडी बैठक में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, जैसे कई सवालों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचाकर रख दिया है। दरअसल उद्धव सरकार में अलग थलग पड़ी कांग्रेस के किसी भी नेता ने पिछले 2.5 साल में किसी तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियां शिकंजा कस सके। लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्माण के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पापों का गड़ा भर चुका है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों का खुलासा होने के बाद उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जिन्होंने उद्धव सरकार की सारी पोलपट्टी ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने खोल कर रख दी है। इसके अलावा उद्धव सरकार के दूसरे मंत्री नवाब मलिक, जो शरद पवार के खासम खास हैं, राइट हैंड माने जाते हैं, उसने टेरर फंडिंग के मामले में शरद पवार की ही पोल खोलकर रख दी है कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा उद्धव सरकार के प्यादे सचिन वजे ने सीबीआई के सामने 100 करोड़ रुपए वसूली कांड के सारे राज उगल दिए हैं और सचिन वजे उद्धव सरकार के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ उद्धव सरकार के दूसरे प्यादे पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में खेले जा रहे भ्रष्टाचार के गंदे खेल और एनसीपी शिवसेना के काले कारनामों को उजागर करके उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में उद्धव सरकार के घोटालेबाज कारनामों में कांग्रेस की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उद्धव सरकार के सारे मलाईदार मंत्रालय एनसीपी और शिवसेना के पास है और खाली हाथ पड़ी कांग्रेस के नेताओं को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है, जिसके बाद सोनिया सेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो चुकी है। निकट भविष्य में ही बीएमसी के चुनाव होने हैं और एनसीपी शिवसेना वाली उद्धव सरकार की घोटालेबाज छवि का पूरा घाटा कांग्रेस को होने का अंदेशा है। ऐसे में सोनिया सेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार से छुटकारा पाने के लिए तिलमिला रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को एनसीपी और शिवसेना की तरफ से मलाई चटाई जा रही है, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और पिछले 2.5 साल से इन्हीं मलाई चाटने वाले कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश महाराष्ट्र कांग्रेस के
अपील राहुल गांधी ग्रुप वाले नेताओं की तरफ से की जा रही है, जिनकी अब तक सोनिया गांधी द्वारा अनदेखी की गई थी, लेकिन अब एनसीपी और शिवसेना के भ्रष्टाचारों से कांग्रेस को बीएमसी चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होने की आवाज महाराष्ट्र सहित पूरे हिंदुस्तान की सोनिया सेना ने उठानी शुरू कर दी है, जिस पर शिरडी बैठक में बड़ा फैसला कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा लिया जा सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं द्वारा किए गए लेटर बम विस्फोट के बाद उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू होने जैसी चर्चाएं भी लगातार तेज है। उद्धव सरकार में चल रहे भ्रष्टाचारों के गंदे खेल में जांच की आंच मातोश्री तक भी पहुंच चुकी है। बीएमसी के स्टैंडिंग चेयरमैन और शिवसेना नेता जसवंत यादव द्वारा 50 करोड़ रुपए की एक घड़ी मातोश्री को गिफ्ट करने जैसी एंट्री अपनी डायरी में की थी, जिसको लेकर आईटी और ईडी ने अपनी जांच में खुलासा भी किया था। इसके अलावा खुद उद्धव ठाकरे के साले साहब पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 संपत्तियों को जब्त कर लिया था, जिसकी जांच की आंच उद्धव ठाकरे के दरवाजे तक भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा शिवसेना के बोम्पू और उखाड़दिया वाले पत्रकार संजय राउत एवं उनकी पत्नी पर भी घोटालों के आरोप में जांच जारी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले परिवहन मंत्री अनिल परब पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले के आरोप में ईडी ने शिकंजा कसते हुए शिवसेना नेता अनिल परब के 60 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, जिसके पूर्व में शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर थे। एनसीपी नेता और उद्धव सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी करोड़ों रुपए के सहकारी बैंक घोटालों की जांच जारी है, जो उद्धव सरकार को ले डूबेगी। इतना ही नहीं बल्कि अनेकों भ्रष्टाचार के मामले महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता विधायक और मंत्रियों पर लगे हुए हैं, जिसकी केंद्रीय जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन 100 करोड़ रुपए वसूली कांड में सचिन वजे के सरकारी वकील बनने से उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सचिन वजे बोलेगा तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सारे राज खोलेगा। और इसी डर के चलते कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना से दूरी बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान को संदेश भेज दिया है। राजस्थान में कांग्रेस के हुए मंथन शिविर के बाद अब शिरडी बैठक में महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की आवाज उठना तय मानी जा रही है और बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की जो भविष्यवाणी की गई थी, उसमें भी अब सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन से छुटकारा पाने की जुगत में जुटी है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के 25 विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त होने की खबरें भी लगातार आ रही है, जो उद्धव सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना के 22 विधायक वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एक बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और एनसीपी कांग्रेस की शिकायत करने के साथ साथ शिवसेना के इन विधायकों की अनदेखी करने के आरोप भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाए गए हैं, जो शिवसेना के विधायकों में बगावत को जन्म दे चुका है। ऐसे में कांग्रेस की शिरडी बैठक महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि निकट भविष्य में स्थानीय निकाय और बीएमसी के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को जल्द से जल्द एनसीपी और शिवसेना से गठबंधन के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। इसके संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन से दूरी बनाकर बीएमसी के चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा 1 और 2 जून को शिरडी में मेगा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं से महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर चर्चा करेंगे। और कांग्रेस के इस मेगा कैंप में महाविकास आघाड़ी गठबंधन से छुटकारा पाने की रणनीति पर भी चर्चा होना तय मानी जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखने के चक्कर में कांग्रेस द्वारा एनसीपी और शिवसेना को समर्थन करने वाला कोई तीसरा रास्ता भी निकाला जा सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार द्वारा कांग्रेस को दिए गए धोखे को ध्यान में रखा जाए तो इस बार सोनिया सेना आर पार की जंग का ऐलान भी कर सकती है, जिसमें उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने की चर्चाएं भी लगातार तेज है, क्योंकि उद्धव सरकार में कांग्रेस के नेता मंत्री और विधायकों द्वारा जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, उनका क्रेडिट भी अब तक शिवसेना और एनसीपी नेताओं द्वारा लिया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता करते रहे हैं।
इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर के सभी कांग्रेसी नेताओं का मन टटोलने वाला फैसला लिया और कांग्रेस के इन नेताओं द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर जो भी विचार नाना पटोले के सामने रखे गए हैं उन्हें नाना पटोले द्वारा कांग्रेस की शिरडी बैठक में पेश किए जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान द्वारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन और उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने या सरकार में बने रहने के मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नाना पटोले द्वारा कांग्रेसी नेताओं पर किए गए मंथन में महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की आवाज काफी ज्यादा उठी है और उद्धव सरकार में बने रहने की आवाज कांग्रेस के इक्का दुक्का नेताओं ने ही उठाई है, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि एनसीपी और शिवसेना की तरफ से कांग्रेस के इन नेताओं को महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बने रहने के लिए मलाई चटाई जा रही है और कांग्रेस के ये इक्का दुक्का नेता ही कांग्रेस आलाकमान तक एनसीपी और शिवसेना की तारीफों में गुणगान करते रहते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है और कांग्रेस की शिरडी बैठक में अंतिम फैसला लेने का वक्त आ चुका है, जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट के बादल पैदा कर सकता है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर के शिरडी बैठक में किस तरह का फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा लिया जाएगा, इन खबरों पर आपके क्या विचार हैं? क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा लिया जा सकता है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।